नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में पालनहार योजना के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। एक शुरू से लेकर जो पैदा होता है उससे लेकर 18 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर 1500 रुपये यहाँ पर प्रति माह मिलने वाला है। इस योजना में आपको मिलने वालेंगे, कैसे मिलेंगे और कैसे आप इसमें अप्लाई करोगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाला है। उससे पहले आपको बता दें, हमारे चैनल पर जो भी सरकारी वैकेंसीज होती है या फिर सरकारी योजनाएं होती है उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं। कोई चाहे कोई सा भी स्टेट हो, सभी स्टेट आपको अपडेट मिल जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको समय समय में जो भी योजनाएँ हैं या फिर सरकारी वैकेंसीज उसकी जानकारी आपको मिलता रहे और आप समय पर लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर आप दबा देना। तो बात कर लेते हैं पालनहार योजना के बारे में। यहाँ पर वीडियो को कर लेते हैं हम स्टार्ट। तो यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं इस योजना के अंतर्गत, पालनहार योजना के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं। तो पालनहार 5 वर्ष से आयु, आपको बता दें 5 वर्ष से आयु के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह, 5 वर्ष हैं उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष प्रति मंथ आपको देखने को मिलेगा, जो 5 वर्ष से बच्चे हैं उनके लिए। और बता दें और स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 1000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है, जिसको वो बढ़ा दिया गया है। उसके बारे में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही वाली तथा वस्त्र स्वेटर यहाँ पर जूते एवं यहाँ पर कई आवश्यक सामग्री यहाँ पर समान कार्य हेतु यहाँ पर देखते हैं सरकार सालाना आपको यहाँ पर 1000 रुपये की यहाँ पर धनराशि यहाँ पर भी दी जाती है, सॉरी 2000 रुपये की यहाँ पर धनराशि प्राप्त होती है। विधवा को यहाँ पर नाता श्रेणी छोड़ यहाँ पर छोड़कर चला गया है। प्रति अनाथ यहाँ पर देखते हैं वार्षिक अनुदान यहाँ पर उपलब्ध भी कराया जाता है। इस योजना के तहत राज्य की सरकार यहाँ पर राजस्थान पालनहार योजना के तहत जो जो भी उन्हें शिक्षा की यहाँ पर उचित व्यवस्था दी जाती है, जो भी यहाँ पर छोड़ के चले वार्षिक अनुदान यहाँ पर भी दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसी वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। बस आपको वीडियो में आपको बने रहना है। तो साथ में इस योजना में स्वेटर बुनने जो भी आवश्यक सामग्री उनके लिए यहाँ पर 2000 रुपये की यहाँ पर राशि आपको भी दिया जाता है। तो इस यहाँ पर कपड़े की व्यवस्था राज्य सरकार स्वयं यहाँ पर करती है। राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था, पीने के लिए व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था राज्य सरकार स्वयं यहाँ पर करेगी। यहाँ पर राज्य सरकार के संचालित योजना का संपूर्ण भारतवर्ष की अनूठी है। तो उसके बाद वीडियो में बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की पालनहार योजना के अंतर्गत बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि को वृद्धि करने की यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया था, जिसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यहाँ पर बढ़ा दी गई है। बढ़ोतरी के प्रस्ताव 2023-24 में मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री इस निर्णय के अनुसार आपको राज्य में लगभग 6,50,000 के अधिक बच्चों को लाभार्थी यहाँ पर किया जा रहा है। इस प्रस्ताव में इसके अनुसार यहाँ पर 6 वर्ष के वर्ग के आयु को पालनहार योजना के तहत 500 रुपये की यहाँ पर राशि प्रदान की जाती है, वो भी प्रतिमा, और यहाँ पर जिसे बढ़ाकर 7,50,000 रुपये कर दिया गया है। वही 6 से 1800 वर्ष बच्चे को मिलने वाला राशि 1000 रुपये का पहले था, जो कि आपको बढ़कर यहाँ पर 1000 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये कर दिया गया है। पालनहार योजना में कई यहाँ पर वृद्धि 1 जुलाई 2024 में लागू किया गया था, ताकि राज्य के अनाथ बच्चे यहाँ पर अधिक से अधिक यहाँ पर लाभ उठा सकते। उसके बाद हम देख सकते हैं इसके बारे में आपको लाभ पहुँचा जा रहा है। उसके बाद पालनहार योजना राजस्थान के बारे में बता देते हैं। तो योजना का नाम पालनहार योजना, जो कि राजस्थान सरकार ने यहाँ पर शुरू किया गया है राजस्थान द्वारा। उसके बाद लाभार्थी राज्य के बच्चे, पालनहार योजना को सरकार का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए। आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं आपको hje.rajasthan.government.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसको याद रखना है। पालनहार योजना के तहत आपको बच्चे की लिस्ट यहाँ पर जो भी बच्चे उनको मिलेगा, तो पहले से यहाँ पर अनाथ बच्चे हैं उनको यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर मृत्यु यहाँ पर अजय का माता पिता यहाँ पर उनके संतान को मिलने वाला है। जो पेंशन विधवा के अधिकतम यहाँ पर 3 संतान को मिलने वाला है। नाता जाने वाला माता पिता अधिकतम 3 संतान को मिलने वाला है। पुनर्विवाह विधवा माता की संतान को यहाँ पर भी मिलने वाला है इस योजना का लाभ। साथ ही यहाँ पर एड्स से पीड़ित यहाँ पर माता पिता के संतान को मिलेगा है। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के संतान को भी मिलने वाला है। जो विकलांग है उनके माता पिता को संतान को भी मिलने वाला है। जो तलाकशुदा है, परिव्यक्ता है, उन महिला के संतान को भी इसमें मिलने वाला है। वीडियो को आप शेयर भी कर दिए ताकि दूसरे को जानकारी मिल सके। उसके बाद पालनहार योजना के तहत मिलने वाली राशि, तो इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे को 5 वर्ष से आयु से लेकर 500 रुपये प्रति माह धनराशि प्रदान किया जाए, जो कि 750 रुपये कर दिया गया है। स्कूल में दाखिल होने के 18 वर्ष के बाद 1000 रुपये कर दिया, जिसे 1500 रुपये कर दिया गया है। और बच्चों के कपड़े उनके यहाँ पर आर्थिक सहायता से जूते के लिए यहाँ पर 2000 रुपये की प्रति सालाना यहाँ पर अलग दिए जाते हैं इसको लेकर। उसके बाद आपको बता दें सरकार का इसको देने का उद्देश्य क्या है।
तो पालन और जो राजस्थान में के मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों के यहाँ पर पोषण पालन करना है, पालन पोषण करना है एवं शिक्षा के लिए यहाँ पर आर्थिक सहायता भी प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से 5 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों को यहाँ पर 500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती थी, जिसे बढ़ा दिया गया एवं स्कूल प्रवेश होने के बाद 18 के वर्ष आयु के बच्चों को 1,000 रुपये जो कि 1,500 रुपये कर दिया गया प्रतिमाह प्रदान की जाती है। इस बच्चे के माध्यम से अनाथ बच्चे यहाँ पर दिशित हैं, सशक्त आत्मनिर्भर बन सके, ताकि इस योजना का यही उद्देश्य है। अपने खर्चे के लिए किसी भी निर्भर यहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये राशि सालाना यहाँ पर प्रदान किया जाता है। कपड़े यहाँ पर आर्थिक सहायता, आर्थिक जो यहाँ पर कम जरूरिया उसको यहाँ पर जूते जैसे कपड़े लेने के लिए सरकार एक सालाना 2,000 रुपये अलग से दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको लाभ लाभ के बारे में राजस्थान पालन आहार योजना के लिए कौन कौन लाभ ले सकते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पालन राजस्थान के द्वारा यहाँ पर आरंभ की गई है। इन योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता रुपये यहाँ पर प्रदान की जाती है। 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह, स्कूल में प्रवेश होने के बाद 8 वर्ष की आयु के बच्चों को यहाँ पर 1,000 रुपये यहाँ पर जो कि यहाँ पर अभी बढ़ चुका है राशि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा 2,000 रुपये प्रति सालाना आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कपड़े स्वेटर जूते आदि सामान यहाँ पर खरीदने के लिए सरकार यहाँ पर देती है। इस योजना के संचालन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ प्रदेश इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय अधिकारिता के द्वारा किया जाता है। इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे और साथ ही आपको बताते चलें अपने खर्चे पर किसी के ऊपर यहाँ पर निर्भर ना होने से अपना खर्चा इस योजना के तहत अपना उठा सकते हैं। पालनहार योजना के अंतर्गत आपको बताते चलें आवेदन अधिकारी इस पर जाकर आप स्वयं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी कार्यालय में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे इस वीडियो में आपको बने रहना है, बस आपको बतानेंगे ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, बस आपको उसको फॉलो करना है। अगर आपसे नहीं होता तो किसी ऑनलाइन सेंटर में आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन करा सकते हैं। अब बात करते हैं पालन राजस्थान की तरफ पात्रता कौन है। तो सबसे पहले आपको राजस्थान के निवासी होना चाहिए और जो उसकी वार्षिक आपका आय हो 1,20,000 से यहाँ पर अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही आपके ऐसे अनाथ बच्चे दो जो 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना भी इसमें अनिवार्य है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यही इसमें पात्रता रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर श्रेणीवार दस्तावेज, पहले श्रेणीवार दस्तावेज आपको बता दें। अनाथ बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, दंड यहाँ पर जो जिसके यहाँ पर माता पिता को कारावास यहाँ पर सजा मिल चुकी है उसके बच्चों को यहाँ दंडादेश की यहाँ पर प्रति यहाँ पर दिशा दें। पेंशन निराश्रित पेंशन पात्र विधवा होने के 3 बच्चे उनके पेंशन के जो भुगतान के उसका यहाँ पर दें। पुनर्विवाह विधवा के माता बच्चे यहाँ पर उनके विवाह पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र। उसके बाद यहाँ पर एड्स आपको बता दें, एड्स पीड़ित जिनके बच्चे हैं उनके यहाँ पर AIT एड्स जो सेंटर द्वारा पर जारी किए गए ARD डायरी यहाँ पर ग्रीन कार्ड जिसे कहा जाता है वो आपको यहाँ पर इसमें देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर दिशाते हैं कुष्ठ रोग, आपको बता दें कुष्ठ रोग के बच्चे के माता पिता के बच्चे सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र इसमें आपको अटैच करना होगा। उसके बाद नाता यहाँ पर जाने वाली 3 बच्चे नाता जाने हुए 1 वर्ष के अधिक समय हुए हैं का प्रमाण पत्र आपको इसमें देना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। विशेष योग्य यहाँ पर जन यहाँ पर माता पिता के बच्चे 40% लगभग आपको बता दें अधिक निराक्तता के यहाँ पर प्रमाण पत्र के प्रति आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तलाकशुदा परिवक्तता महिलाओं के बच्चे तलाकशुदा परिवक्तता पेंशन भुगतान के आदेश की यहाँ पर प्रति आपको इसमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पालनहार के प्रति आपको यहाँ पर श्रेणीवार दस्तावेज आपको यहाँ पर केवल दस्तावेज तो पालनहार यहाँ पर आधार कार्ड पालनकार का आधार कार्ड, उसके बाद महामाया आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड पहचान पत्र, बच्चे का आंगनबाड़ी पंजीकरण प्रमाण पत्र, विद्यालय के यहाँ पर है तो विद्यालय के पहुँचने का प्रमाण पत्र, बच्चे का उसके यहाँ पर आधार कार्ड, उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी आपको पिता का पालन है और उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इतना आपको इसमें दस्तावेज आपको इसमें लगने वाला है। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसमें आपको देने पड़ेगा। उसके बाद आपको बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस यहाँ पर एम्पावर यहाँ पर दिखते हैं एम्पावरमेंट यहाँ पर डेवलपमेंट के आपको ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि आप आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको बता चुका हूँ, उस पर पालनहार योजना का एप्लीकेशन फॉर्म PDF आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भरने हैं, जैसे कि पालनहार का नाम, जन्मतिथि आदि। इसको भरने के बाद आपको सभी धरनों को आपको दस्तावेज हम आपको जो भी मंगेगा उसको अटैच कर देना होगा जो भी दस्तावेज आपसे पूछे गए। इसके बाद आपको आपके फॉर्म में शहरी क्षेत्र में आपको बताना है, पर इसके बाद शहरी क्षेत्र में विभाग जिला अधिकारी के पास आपको ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ पर निवासी अपने फॉर्म को यहाँ पर आपको बता दें संबंधित निवासी यहाँ पर अधिकारी के पास ई मित्र
कियोस्क केंद्र, आपको याद रखना है ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना होगा। इस तरह आप आवेदन इसमें पूर्ण हो रूप से यहाँ पर आप पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति भुगतान है तो क्या आवेदन की स्थिति आप कैसे जांच पाओगे, तो जांचने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल से आपको सबसे पहले आप जब सरल भाषा में सजा दी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। उसके बाद जस्टिक यहाँ पर सोशल जस्टिक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको सिंपल से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाकर यहाँ पर ऑफिशियल होम पेज पर सिंपल से आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखने का इमेज आपको दिखा रहे हैं। अप्लाई ऑनलाइन ई सर्विस का आपको सेक्शन दिखाई देगा जैसे कि यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं आवेदन आवेदन की ये सब हम देख सकते हैं। आपको नीचे पालनहार योजना की स्थिति यहाँ पर आपको दिखा गया है, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप रजिस्ट्रेशन पालनहार पेमेंट स्टेटस पर ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आमने सामने यहाँ पर आपके सामने नए पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज पर आपको यहाँ पर खुलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आप फोटो में देख सकते हैं इस पर आपको यहाँ पर एकेडमिक आपको बता दें एकेडमिक ईयर भाषा मान नंबर यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन आईडी कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद सभी जानकारी को भरने के बाद गेट स्टेटस बटन पर क्लिक करके इसके बाद यहाँ पर आपके सामने भुगतान की स्थिति आ जाएगा। इस तरह से आप भुगतान की स्थिति को जाँच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। और यहाँ पर बताते चले आप इंस्टाग्राम का कोई भी सवाल पूछना है तो इंस्टाग्राम डिसीजन है वहीं से आप मैसेज कर सकते हैं।